हेलो फ्रेंड, मिथिगेंचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आईपीसी सेक्शन 171 के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 171 में बताया गया है कि कोई भी कपटपूर्ण तरीके से लोक सेवक का अगर कोई भी पोशाक पहनता या टोकन धारण करता है उसे दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से धारा 171 को समझाऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि धारा 171 में कौन सी बातें लिखी गई है। जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए इस आशय की या विश्वास किया जाए या इस ज्ञान से कि स्वभाव है कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के संदृश पोशाक पहनेगा या निशानी के संदृश कोई निशानी धारण करेगा उसे धारा 171 के तहत दंडित किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति है और जो सरकारी जो व्यक्ति होते हैं उनका पोशाक होता है, मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला है, पुलिस वालों का वर्दी होता है, खाकी कलर का वर्दी होता है, और कोई साधारण व्यक्ति उसका खाकी कलर का वर्दी पहन के कहीं रोड पे खड़ा हो जाता है और किसी से वसूली करता है तो यह एक तरीके से अपराध माना जाएगा। यानी 171 के तहत उस व्यक्ति को जो साधारण व्यक्ति ने पुलिस का वर्दी पहन के जो किसी दूसरे से वसूली कर रहा है उसे दंडित किया जाएगा। या किसी भी तरीके का निशानी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आईडी प्रूफ बना लेता है और किसी को दिखाता है कि मैं सीबीआई से हूँ या मैं पुलिस वाला हूँ या किसी भी सरकारी नौकर का वो आईडी बनाकर दिखाता है तो उसे धारा 171 के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि धारा 171 में कितने वर्ष का कारावास हो सकता है। तो 3 महीने तक का जेल हो सकता है या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, धारा 171 जो है संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस को अगर ऐसी कहीं भी सूचना मिलेगी तो तत्काल उसमें FIR दर्ज करेगी। लेकिन धारा 171 जो है जमानती अपराध है, FIR तो करेगी लेकिन उस व्यक्ति को जमानत पर पुलिस थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। और धारा 171 जो है यह किसी भी मजिस्ट्रेट के पास इसका ट्रायल चल सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने धारा 171 को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धारा 171 समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक विधिज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधिज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में फिर से नई धारा, नए टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।